हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम इस लेक्चर में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कनेक्टेड कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको अगेन जर्नल एंट्रीज, लेजर पोस्टिंग प्लस कुछ इम्पोर्टेंट कैलकुलेशन पार्ट। तो आप बोलेंगे सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमने पहले सीख लिया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में अपन ने कम्प्लीटली नहीं सीखा। जैसे हमने IOT के बारे में कंप्लीट टॉपिक कंप्लीट करा था, वैसे ही IUCM कंप्लीट करेंगे। तो अराउंडिंग हो सकता है 2 से 3 लेक्चर्स के अंदर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कनेक्टेड सारी बातें कंप्लीट करूंगा। अब सबसे मेन चीज जो है कि पिछले लेक्चर में एक छोटा सा करेक्शन है जो आप लोग अभी अपनी नोटबुक में भी कर लें। वो करेक्शन क्या है मैं समझा देता हूँ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की हमने एंट्रीज पास करी थी, उसमें जो फोर्थ एंट्री थी, उस फोर्थ एंट्री के अंदर हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन करा था, ठीक है, और ये करेक्ट एंट्री है। लेकिन ऊपर जो लैंग्वेज है वहां मैंने आपको लिखवाया था कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज डेबिटेड टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन। वहां प्लीज डेबिटेड को काट कर क्रेडिटेड वर्ड कर देना। मैं रीजन देता हूं क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डेबिट हो रहा है, लेकिन जब आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे पोस्टिंग करोगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे पोस्टिंग करोगे तो पोस्टिंग क्या होगी, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो इसके लिए जब मैं लाइन लिखूंगा तो मैं बोलूंगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज क्रेडिटेड। प्लीज कंफ्यूज मत होना कि सर आपने तो डेबिट करा, अरे एंट्री में डेबिट हुआ। लेकिन मान लो जब आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे तो वहां इसकी लेजर पोस्टिंग कैसे होगी, जो हमने पिछले लेक्चर में सीखी थी। तो वहां एक छोटा सा करेक्शन करना है, करेक्शन आप नोटबुक में कर ले। इसका नरेशन जब लिखेंगे तो नरेशन बनेगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्रेडिटेड टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन। आप क्या समझाना चाहते हो कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है। तो जहां आपने डेबिटेड लिखा था काट के क्रेडिटेड, और एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओ डेबिटेड क्रेडिटेड में, दोनों वर्ड को हटाकर तो ट्रांसफर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ट्रांसफर टू पीएनएल। तो सबसे पहले अपनी नोटबुक में आप ही करेक्शन करेंगे। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कनेक्टेड। पहले कुछ कैलकुलेशन पार्ट समझाऊंगा, फिर एंट्री समझाऊंगा, और फिर मैं आपको इसकी लेजर पोस्टिंग करवाऊंगा। ओके, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इससे कनेक्टेड 2 चीजें हैं, एक तो कैलकुलेशन और एक ट्रीटमेंट। जैसे IOD में था कैलकुलेशन एंड ट्रीटमेंट, या ट्रीटमेंट का मतलब है जर्नल एंट्रीज एंड लेजर पोस्टिंग। मैं पहले ही कहा था कि हम हर एक टॉपिक को टुकड़ों में समझेंगे। IOD में समझा, अमाउंट निकालना सीखा, मेथड समझे, फिर एंट्री समझी, फिर लेजर पोस्टिंग। फिर मैं सेम चीज IOC में करूंगा, सेम ऐसे सैलरी की बात होगी, फिर बात करूंगा कमीशन की, उसमें पार्टनर कमीशन, मैनेजर कमीशन, उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन लोन, उसके बाद में रेंट टू पार्टनर। और जब ये सारे टॉपिक एक साथ मर जाएंगे तो हमारे इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। तो उस लॉन्ग क्वेश्चन तक पहुंचने से पहले हमें टॉपिक को पहले टुकड़ों में समझना है। ओके, तो सबसे पहले कैलकुलेशन की बात करें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कैलकुलेशन का तरीका बहुत सिंपल है। IUD जैसे कोई मेथड्स नहीं है, अगेन कोई ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। तो मैं आज पहले आपको इसका ट्रीटमेंट समझा, ट्रीटमेंट में आज एंट्री समझा रहा हूँ, लेजर पोस्टिंग बता रहा हूँ, और उसके बाद में हम क्या करेंगे इसकी कैलकुलेशन। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब यहां पर हमें बस 2 ही चीजें ध्यान रखनी, बस 2 चीजें। पहला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। हाँ, हो सकता है कुछ बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन आ रहा हो कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को तो
आपने हमें एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बताया था, बिल्कुल करेक्ट है। और मैं आज भी यही बोलूंगा, अगर एग्जाम में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए तो उसका नेचर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ही कहलाएगा। तो सर आपने चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्यों लिखा, सुन लीजिए। अगर पार्टनर्स चाहे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पार्टनरशिप डीड में चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट करवा सकते हैं, चाहे तो। और अगर ऐसा कोई ट्रीटमेंट वो चाहते ही नहीं है तो हमेशा बाय डिफॉल्ट क्या मानना है, एप्रोप्रिएशन। तो बाय डिफॉल्ट कुछ ना बोला हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमेशा क्या मानते हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। सर इन दो वर्ड्स का वापस समझा दो भैया, सुन लो। वो चीजें जो प्रॉफिट के होने पे ही करी जाती है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, और वो चीजें जो प्रॉफिट हो या ना हो तो भी करनी पड़ेगी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। हमने इसे बहुत अच्छे से डिस्कशन कर रखा है पुराने लेक्चर्स में, तो फटाफट बोलूंगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप दो तरह से ट्रीट कर सकते हो। आप चाहो तो उसे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मान सकते हो, और आप चाहो तो उसे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मान सकते हो। क्वेश्चन में जब कुछ ना बताया जाए, क्वेश्चन साइलेंट हो, तो हमेशा क्या मानना है, एप्रोप्रिएशन, जो हमने पिछले लेक्चर्स में पुराने क्वेश्चंस में करा था। और एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए कि आईओसी इज ट्रीटेड एज, तो बाय डिफॉल्ट हमेशा क्या मानना है, एप्रोप्रिएशन। सर इनका ट्रीटमेंट एंट्री वाइज क्या होगा, तो मैं यहां पे इनकी एंट्रीज डिस्कस कर रहा हूं, 100% फोकस रहोगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, ये डायग्राम समझना, एक फर्म एक पार्टनर, ठीक है। सबसे पहले पार्टनर फर्म में क्या लगाता है, कैपिटल, दैट इज कैपिटल इंट्रोड्यूस। एंट्री पास करें, पार्टनर फर्म में पैसा लगा रहा है। हम अकाउंटिंग किसकी सीख रहे हैं, फर्म की, पूरी पार्टनरशिप आखिरी चैप्टर तक हम अकाउंटिंग किसकी करेंगे, पार्टनरशिप फर्म की। तो फर्म के पास पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, चेक आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट, या फिर कभी कभार पार्टनर अपने घर से असेट्स भी लेके आ जाता है, पर्सनल असेट्स। जैसे मान लो मिस्टर राम है, वो क्या बोलता है, 10,000 रुपए तो मैं कैश में लगाऊंगा बिजनेस में, ऐसे कैपिटल, और एक मेरे पास मशीन बड़ी 5,000 की, वो भी मैं बिजनेस में देना चाहता हूँ। तो कैपिटल कैश में भी होती है और काइंड में भी होती है, जिस तुम जानते हो, घर से भी अपना पर्सनल सामान या पर्सनल असेट हम बिजनेस में एज अ कैपिटल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो कैश, बैंक या फिर कोई भी असेट फर्म में आ रही है, हम अकाउंटिंग किसी कर रहे हैं फर्म की, तो हमके पास पैसा है कैश की फॉर्म में, चेक की फॉर्म में या असेट की फॉर्म में, किस चीज का, कैपिटल का। तो नाम आ जाएगा और कैपिटल अकाउंट। हाँ, यहां पे आपको करंट अकाउंट के बारे में भी सोचना है, याद हो मैंने आईटी के एंट्री में कहा था कैपिटल या करंट दोनों से एक नाम आता है, तो जब भी कैपिटल लगाई जाएगी तब तो नाम कैपिटल ही आएगा, वहां करंट अकाउंट का कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन कौन सा नाम कब आता है वो डिस्कस करना बाकी है, ओके। लेकिन अभी के लिए जब भी कैपिटल लगाऊंगा क्या नाम है, कैपिटल। सिर्फ ब्लैंक भी छोड़ा, राम लगाई राम का नाम, श्याम लगाई श्याम का नाम, मोहन लगाई मोहन का नाम, क्योंकि आप तो दो से ज्यादा ऑनर है, दो ऑनर है कम से कम। चलो सर अगला आगे बढ़े, जब कैपिटल लगा दी तो फर्म अलग है पार्टनर अलग है, तो बदले में फर्म पार्टनर को क्या देगी, आईओसी, दैट इज आईओसी अलाउड। अब मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन, फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट दे रही है फर्म के लिए खर्चा, फर्म के लिए खर्चा, अकाउंट्स में इतना तो जानते हो खर्चों का नेचर क्या होता है, डेबिट, और इनकम का नेचर क्या होता है, क्रेडिट। तो आईओसी में अपने इनकम मान के एंट्री पास करी थी, आईओसी खर्चा मान के एंट्री पास करेंगे। तो सर आईओसी खर्चा है फर्म के लिए, तो फर्म के लिए ये डेबिट होना चाहिए, आईओसी अकाउंट डेबिट। हम किसको दे रहे हैं, पार्टनर को, तो टू पार्टनर का नाम आ जाएगा, राम की कैपिटल है, राम कैपिटल स्लैश करेंट, यहां पर बोलूंगा कैपिटल स्लैश करेंट, यहां पे दोनों में से कोई एक नाम आएगा। सर कौन सा नाम कब आता है, घबराओ मत, अभी मेरे को वो चीज समझानी बाकी है, तो अभी के लिए हम स्लैश करके दोनों नाम लिखेंगे। ऐसी एंट्री तीसरी, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म की
लिए खर्चा है तो तुम्हारे बेसिक क्लियर है तो तुम जानते हो कि इनकम और खर्चों को क्लोज करा जाता है। मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा था जितने भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं, नॉमिनल मतलब इनकम एंड एक्सपेंसेस हैव टू बी क्लोज, क्लोज मतलब उसी साल खत्म कर दो, लेकिन जितने भी रियल और पर्सनल होते हैं, क्या थे रियल पर्सनल में असेट्स लाइबिलिटीज कैपिटल, उनको क्लोज नहीं करते, उनको बैलेंस करते हैं। ये बेसिक अपने क्लियर होने चाहिए। और जो बैलेंस होता है वो अगले साल आगे जाता है, जो क्लोज होता है वो इसी साल खत्म हो जाता है। अब मैं जो आगे बताने वाला हूँ वो इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान देना। हमारे पास पार्टनरशिप में क्लोज करने के दो रास्ते हैं, या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। सर पता है करें क्लोज। अब यहां का मैं इस बात को समझना, अगर आपने आईओसी को एप्रोप्रिएशन माना, क्या माना एप्रोप्रिएशन, तो जवाब दे दो ना कि सर जो चीजें एप्रोप्रिएशन होती है वो किससे ट्रीट होती है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और जो चीजें चार्ज होती है वो किससे ट्रीट होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वापस बोलूंगा, जितनी भी चीजें एप्रोप्रिएशन वाली होती है उसका ट्रीटमेंट किससे करते हैं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और जितनी भी चीजें चार्ज होती है उनका ट्रीटमेंट किससे होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहले डिस्कस करा हुआ है चार्ज वाली सारी चीजें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, एप्रोप्रिएशन वाली चीजें पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। तो अगर मैंने वहां पे आईओसी को डेबिट करा, उसको अगर मैं क्लोज करूंगा तो यहां पे टू आईओसी अकाउंट, लेकिन ऊपर नाम क्या आएगा सुनना, अगर एप्रोप्रिएशन माना है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, और अगर चार्ज माना है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। इस कंसेप्ट को मैं इंपॉर्टेंट मार्क करूंगा, रटने की जरूरत नहीं है, प्लीज एंट्रीज मत रखो। सबसे पहले पार्टनर ने कैपिटल लगाई, 11 क्लास से एंट्री कर रहे हो, कैपिटल इंट्रोड्यूस, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, नई बात क्या सीखी, बंदे का नाम आ रहा है, सर क्यों आ रहा है, अरे भैया यहाँ पे एक बंदा ऑनर नहीं है, यहाँ पे कम से कम दो बंदे ऑनर है, तो नाम तो होना चाहिए ना, वरना कैसे पता लगेगा किसी कितनी कैपिटल लगी। उस पे फर्म क्या दे रही है, आईओसी नेचर एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस का बैलेंस डेबिट, किसको दे रहा हूं, पार्टनर को, यहाँ कैपिटल है करंट और से एक नाम है, सर यहाँ पे करंट क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलरली कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो कैपिटल लगाई जा रही है, ठीक है। बाकी जो ट्रीटमेंट है इसमें कैपिटल करंट दोनों में से एक का नाम आता है, रीजन एंड लॉजिक जब ये टॉपिक डिस्कस करूंगा दो तीन लेक्चर बाद डिस्कस हो जाएगा, वहां आपको अच्छा समझ आ जाएगा। नेक्स्ट आईओसी, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट हुआ था, क्लोज करूंगा, क्लोज क्यों करूंगा, क्योंकि इसका नेचर एक्सपेंसेस है और इनकम और एक्सपेंस तो क्लोज करते हैं, अगर एप्रोप्रिएशन है तो किससे क्लोज होगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन, और अगर चार्ज है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नरेशन सुन लेना, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय राम श्याम मोहन, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड, क्या बोलोगे अलाउड, रीजन पता है, खर्चों के वर्ड अलाउड, इनकम के वर्ड चार्ज। अब यहां नरेशन ध्यान देना, जब मैं आईओसी को इसी क्लोज करूंगा तो ये आईओसी अकाउंट किस में ट्रांसफर हो रहा है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन, तो एक लाइन में ये बन जाएगी कि आईओसी ट्रांसफर टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट या आईओसी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन थोड़ी अगर और अच्छी लैंग्वेज लिखी है तो ये आईओसी अकाउंट जब इस अकाउंट में पोस्ट होगा तो इसकी पोस्टिंग कैसे होगी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में टू आईओसी, तो अपन बोलेंगे आईओसी अकाउंट इज डेबिटेड टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन। आधे बच्चे को कंफ्यूज हो जाते हैं, सर आप तो क्रेडिट कर रहे हो पर नरेशन में आप डेबिटेड टू लिखवा रहे हो, अरे मैं इसके लिए नहीं बोल रहा, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि ये अकाउंट जब इस अकाउंट में पोस्ट होगा तो किस साइड पोस्टिंग होगी, डेबिट साइड, करके देख लो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू आईओसी, देखो लैंग्वेज क्या बनेगी, आईओसी अकाउंट इज डेबिटेड, प्लीज ध्यान देना गलती मत करना, आईओसी अकाउंट इज डेबिटेड टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और आईओसी अकाउंट इज डेबिटेड। और सर ये डेबिट कार्ड हमारे पल्ले नहीं पड़ता, हम कंफ्यूज होते हैं ट्रांसफर में, तो सबसे पहले हमने एंट्री डिस्कस कर ली, एंट्री समझ में आ गई, ठीक है। अब इसको डिस्कस कर लेंगे लेजर पोस्टिंग, फिर हम क्या करना है कैलकुलेशन, इसको हम नोट डाउन कर लीजिए। तो हमने अभी तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कनेक्टेड एंट्री डिस्कस कर ली थी,
साथ में उसकी मेजर बूस्टिंग डिस्कस कर रहा हूं, याद देना। इफ आईयूसी इज ट्रीटेड एज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ओके, इफ आईयूसी इज ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है, दो चीजें हैं, या तो आईयूसी एप्रोप्रिएशन हो सकता है या आईयूसी चार्ज। सर बाय डिफॉल्ट क्या मानना है? ऑलवेज एप्रोप्रिएशन। अगर मेजर बूस्टिंग है, एक तो हमारी बूस्टिंग होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर ए एंड बी। हाँ, ये नाम मैं अज्यूम करता हूँ क्योंकि अपने पास एक पार्टनर्स के नाम नहीं है। आप चाहो तो एक्स वाई सकते हो, आप चाहो तो रामेश्याम लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर्टिकुलर ए एंड बी, ओके। जितने पार्टनर होंगे उतने कॉलम बन जाएंगे, चार पार्टनर होंगे तो ए बी सी, ठीक है। अब एप्रोप्रिएशन में हमें जरूरत पड़ेगी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की, और यहां हमें जरूरत पड़ेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, ठीक है। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, सबसे पहली एंट्री कैपिटल लगाने की क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, असेट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। मान लो ए है तो यहां पोस्टिंग जब आप करोगे तो पोस्टिंग करोगे बाय कैश या फिर बैंक या फिर असेट का नाम आ जाएगा, ठीक है। सेम पोस्टिंग सॉरी केस में भी होगी, बाय कैश, बैंक या असेट। दूसरी पोस्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपने एंट्री क्या पास करी थी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट, तो यहां पोस्टिंग होगी बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओके। अभी तक कुछ भी सेम चेंज नहीं, नॉर्मल सेम चल रहा है। हाँ, कंफ्यूज मत होना, मैंने आप एक करेंट वर्ड नहीं लिखा, लेकिन आईओसी की जब बात आएगी तो कैपिटल या करेंट अकाउंट, लेकिन जब कैपिटल लगाई जाती है तो फिर किसका नाम आता है? कैपिटल का। ये बात ध्यान रखना, कैपिटल इंट्रोड्यूस करते वक्त पोस्टिंग किसमें होगी? कैपिटल अकाउंट में। लेकिन आईओसी की जो पोस्टिंग है वो कैपिटल या करेंट दोनों में से किसी एक में होगी, किसमें होगी वो बात की बात है, अभी आपको स्लैश करके दोनों नाम लिखना है। तो इसके लिए तो कन्फर्म है यही नाम आएगा, ठीक है। लेकिन आईओसी के लिए कैपिटल स्लैश करेंट अकाउंट इसमें पोस्टिंग हो सकती है, ओके। तीसरी पोस्टिंग सेम चीज लेने चल रही, ध्यान रखना। तीसरी पोस्टिंग पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पोस्टिंग किस चीज करेंगे? अगर हम क्लोज करेंगे तो हम एंट्री बनाएंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और वहां पे पोस्टिंग एप्रोप्रिएशन भी नहीं होगी क्योंकि चार्ज है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हाँ, ये कंफ्यूजन हो सकता है बच्चों, करेंट और कैपिटल के मैं वापस समझा दूं। मान लो हमें आईसी करेंट अकाउंट से देना है, किस अकाउंट से देना है? करेंट अकाउंट। तो आप एंट्री करोगे आईसी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट, तो उस केस में क्या होगा? एक तो बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर एक बनेगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट, और फिर बनेगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सेम चीज वहां पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट एंड पीएनएल अकाउंट का चार्ज है। सर करेंट अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है? जैसा इसका फॉर्मेट होता है कैपिटल का, पर्टिकुलर ए बी, पर्टिकुलर ए बी। तो उस केस में क्या होगा? जब आप कैपिटल लगाओगे तब तो पोस्टिंग किस में कर दोगे? कैपिटल अकाउंट में। लेकिन जब आईसी वाला ट्रीटमेंट करोगे वो किस में कर दोगे? करेंट अकाउंट में। कैसे? बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो भी अलग से मैंने करेंट अकाउंट ओपन नहीं करा है, बस ये समझाना था कि कैपिटल जब भी लगाएंगे तो कैपिटल अकाउंट में ही जाएंगे, लेकिन आईसी का ट्रीटमेंट इन दोनों में से किसी एक से होगा, ठीक है। तो अगर करेंट अकाउंट से होगा तो पोस्टिंग करेंट अकाउंट में, और अगर कैपिटल अकाउंट से होगा तो पोस्टिंग कैपिटल अकाउंट में। और आगे आईसी का एप्रोप्रिएशन है तो पीएनएल में हो गया, चार्ज है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
ये थी हमारी लेजर पोस्टिंग।